हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय आईबीएफ जर्नी पर। ये मैं सुबह सुबह खुश की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं दोबारा उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। तो हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद बस मैंने थोड़ी देर वेट किया क्योंकि ये फीड भी नहीं कर रहा था। इसे थोड़ा सा वहाँ पर फ़ीड कराया, डॉक्टर को बोला कि पहले इसे फ़ीड करा दें क्योंकि वहाँ पर इसे फिर इंजेक्शन देना ज़रूरी हो गया था क्योंकि मेडिसिन जो है इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी। तो फिर हमने इसको जो है इंजेक्शन लगवाया। पहले डॉक्टर ने इसे चेक किया तो दिखे बिल्कुल भी, मतलब अपना अच्छे से देख बात को सुन भी नहीं रहा था और मतलब कि रिएक्ट नहीं कर रहा था किसी चीज़ पर। तो हमने फटाफट से फिर इसको जो है डॉक्टर के पास ले गए थे और हमारे मन में बस यही था कि आज के आज ही हम देखेंगे, अदरवाइज़ जो है हम इसे किसी पीडियाट्रिशियन अच्छे को दिखाएंगे। वैसे ये भी डॉक्टर अच्छे थे लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती हैं, तो हमने वेट करना ज़रूरी नहीं समझा। ये मैं बच्चे की जो है उसने पोटी कर दी थी वहाँ पर तो दिखा रही थी, तो डॉक्टर ने चेक किया था, वो बोल रहे थे कि ठीक है, स्टूल ठीक कर रहा है ये, लेकिन फिर भी दिमाग से टेंशन है जो जा ही नहीं रही थी। फिर इसे एक इंजेक्शन दिया उन्होंने ताकि इसकी जो वॉमिटिंग्स हैं वो रुक जाएँ। तो बस टेंशन मेरी तो बढ़ती जा रही है। फिर घर पे आए, ये रात को 11:30 बजे का टाइम है, तो ये रो ही जा रहा था, दूध भी नहीं पी रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद इसके पेट में दर्द हो रहा होगा, तो फिर मैंने हींग, वैसे तो डॉक्टर ने इसको जो है कॉलिक एसिड दे रखा था ताकि इसको पेन वगैरह हो तो वो दे दो, लेकिन फिर भी हम हींग वगैरह अपनी तरफ से हम कोशिश कर जा रहे थे कि जो है इसका ठीक हो जाए। और थोड़ा बहुत ठीक भी हो गया बीच में, लेकिन फिर भी हमारी टेंशन बढ़ती जा रही थी क्योंकि 5 घंटे से ना तो ये कोई स्टूल पास कर रहा था, ना टॉयलेट कर रहा था, ना दूध पी रहा था। पूरा एक ही दिन हो गया था, इसे सिर्फ एक बार टॉयलेट किया था और टॉयलेट ना आए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बस मैं तो नहीं देख पा रही थी, मैंने तो बस रोना ही शुरू कर दिया था और बीच बीच में इसे ORS का घोल अपनी तरफ से देना शुरू कर दिया था कि इसके अंदर जो है पानी की कमी ना हो, क्योंकि ऊपर से वॉमिटिंग आना और ऊपर से स्टूल पास जो है लूज़ मोशन लगना, एक बड़े जो इंसान होता है उसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, एक छोटे बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी। तो बस हम अपनी तरफ से इसको यही दे जा रहे थे और मेडिसिन्स भी दे जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने मैंने उसके बाद वेट नहीं किया और मैं रात को 1 बजे इसे डॉक्टर के पास ले आई। उन्होंने इसको एडमिट कर लिया, बस वहाँ पर इसको ग्लूकोज वगैरह लगा दिए उन्होंने और अभी उन्होंने बोला है कि 5 से 6 दिन लग सकते हैं। तो अभी भी इसने पोटी कर दी थी फिर से, तो मतलब बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हस्बैंड जो है यहाँ पे, मेरी मम्मी पापा यमुनानगर में हैं, तो यहाँ पर मेरी मम्मी पापा हैं, मेरी सिस्टर है जो घर पास में ही है, तो रात को वो रुके थे मेरे पास। हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ चले गए थे, एक बच्चे को जो है उसकी तबीयत थोड़ी ठीक थी तो उसको हमने मेडिसिन लेके, डॉक्टर ने बता दिया था कि वो थोड़ा ठीक लग रहा था तो उसको आप लेके जा सकते हैं, इसको एडमिट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक्टिव भी नहीं है। और मेरी तो इतनी बुरी हालत थी जब नीडल लगी, तो बस हस्बैंड जो है वो सुबह दूध देकर चले गए थे। फिर अभी ये मेरा ब्रदर आया है, अभी इसको ग्लूकोज वगैरह हटा रखा है, अभी इसके ब्लड सैंपल वगैरह गए, तो मतलब मेरे से तो देखा ही नहीं जा रहा था। मैंने तो इतनी चीखे मार मार के रोई कि मतलब एक छोटे से बच्चे को नीडल लगना, सैंपल लेना, बस इसके लिए प्रेयर करना राधे राधे।